जब परसीमन हो रहा था, मैं परसीमन आयोग का एसोसिएट मेंबर था, और जब बदायूं का नंबर आया और शाहजहांपुर रिजर्व हो रही थी, और तय ये हुआ था कि केवल उत्तर प्रदेश में 3 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें 6 विधानसभा क्षेत्र होंगे और 3 ही जिले ऐसे हैं बीच में हो रही है, न्याय और अन्याय के बीच में हो रही है। हम न्याय के पथ पर चल रहे हैं, हम धर्म के पथ पर चल रहे हैं, और इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमेशा न्याय की अन्याय के ऊपर विजय हुई है। अब ये सिद्ध हो चुका है कि दिल्ली की सरकार अन्यायी है। जब अन्यायी है तो उसे तो जाना ही है। हमारे कार्यकर्ता दोनों पार्टियों के, तीनों पार्टियों के ये चाहते थे कि हम लोग फिट रहे और आप लोग अगर आप लोग अपना अहम नहीं त्यागोगे तो ये मार डालेंगे बीजेपी वाले। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ बहन मायावती जी को, अखिलेश जी को और श्री अजीत सिंह जी को कि उन्होंने एक ऐसा गठबंधन बना दिया जिस गठबंधन के बनने के बाद ये जानते हैं धर्मेंद्र सेंट्रल हॉल में सब लोग हम बैठे हुए थे, बीएसपी समाजवादी पार्टी के एमपी, तो हिंदुस्तान की तमाम पार्टियों के नेता, विपक्ष की पार्टियों के नेता गुलाब जामुन खिला रहे थे, मिठाई खिला रहे थे कि अब साहब आपके समझौता हो गया, हमारी सीटें बढ़ गई बंगाल में और तमिलनाडु में से लेके आंध्र प्रदेश तक, महाराष्ट्र तक, क्योंकि अब लोग जान गए कि अब उत्तर प्रदेश नहीं बनाया था, उत्तर प्रदेश हटाने वाला है। इस गठबंधन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इसका वोट है 60% से ऊपर, और बीजेपी को पहले 42% वोट मिला था, समाजवादी पार्टी और बसपा को 44% वोट मिला था। अब बीजेपी का वोट परसेंट घटके हो गया 10% कम हो जाएगा, इतनी लोग नाराज हैं। हम तो सही मानते हो तो ज्यादा जाएगा। ये शास्त्रों के खिलाफ अगर बाबा अगर शास्त्रों में यकीन करते हैं तो ये पाप है। कहीं भी अर्धकुंभ की व्यवस्था नहीं, नाम नहीं है। अर्धकुंभ को आपने कुंभ कर दिया, 12 साल बाद लगता था, ये वेदों में भी इसका उल्लेख है 12 साल बाद कुंभ का, लेकिन इसने कुंभ 6 साल बाद करा दिया, और उसके लिए जाने कितना पैसा आ गया। और अभी अभी पता चला 1 सप्ताह पहले को मैं 800 करोड़ का घपला हो गया, सीबीआई जांच के आदेश हो गए। ये आदत है। तो जन कल्याण के लिए, विकास के लिए और इस लोकसभा क्षेत्र को उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र बनाने के लिए धर्मेंद्र को 23 तारीख